तो मोटेरा आश्रम रेप केस में आसाराम की पत्नी और बेटी समेत पांच महिलाओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गांधीनगर कोर्ट ने इन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। गुजरात सरकार की तरफ से निचली कोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद हाईकोर्ट ने सभी को नोटिस जारी किया है। इस मामले में कब होगी सुनवाई? गुजरात हाईकोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम की पत्नी, बेटी और तीन महिला शिष्यों को नोटिस जारी किए। इस मामले में इन महिलाओं को बरी कर दिया गया था, जबकि आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। जस्टिस ए वाई क्वांगजी और जस्टिस हसमुख सुथार की खंडपीठ ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन और बेटी भारतीबेन समेत पांच महिलाओं को नोटिस जारी किए। गांधीनगर की एक अदालत ने 2013 में एक पूर्व महिला अनुयायी द्वारा दायर बलात्कार मामले में 31 जनवरी को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अहमदाबाद के पास मोटेरा में आसाराम के आश्रम में 2001 से 2007 के बीच महिला से कई बार बलात्कार किया गया था। आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, बेटी भारती और चार अनुयायियों पर अपराध में सहायता करने और उकसाने का आरोप था। गुजरात सरकार मोटेरा रेप केस में गांधीनगर कोर्ट ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया था। हालांकि सरकार की तरफ इस मामले में देरी हुई। इस मामले में अन्य सभी के बरी होने के बाद आसाराम ने अपने दोष सिद्धि को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी और अपनी सजा को निलंबित करने की मांग की है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी।